आप बताइए। बिल्कुल जी, ऑब्वियसली जब आप हाथ से कोई चीज़ बना के किसी को देते तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और स्पेशली जैसे मैं रेजिन आर्टिस्ट हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी किसी के घर जाना होता है तो मैं थोड़ा बहुत किसी से पूछ लेती हूँ कि घर कैसा है, उसकी कलर स्कीम कैसी है, तो मैं उस हिसाब से उसको डेकोर बना के दे देती हूँ। टेबल टॉप बना दिया, या वॉल हैंगिंग बना दी, या क्लॉक बना के दे दी, या कुछ भी, मतलब छोटा मोटा चीजें लेकिन बना के। अक्सर लोग घर पे बुलाते हैं, हाउस वार्मिंग होती है, तो इंसान को होता है कुछ ना कुछ लेके जाए, तो बंदा यूजुअली वही फूलदान या कोई डिनर सेट या कोई कोई इस तरह की चीज उठा के ले जाता है। और जो पैसे आपने इस किस्म की चीज पे खर्च करने हैं, अपनी हाथ की बनी हुई चीज, इफ यू हैव द टैलेंट, व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो मैडम अगर यहाँ पे आप आ जाए तो हम जरा आपने जो चीजें बनाई हैं कुछ उन पे भी बात कर लेते हैं। आप वहाँ पे आ जाए एरम जी, क्योंकि वहाँ पे आपका सारा सामान है। जी मैडम आइए। ऐसे ही कि ये देखिए क्लॉक, ये भी क्लॉक ऐसा है कि मुझे जैसे क्लाइंट बताता है कि मेरा कलर स्कीम ये है, तो मैं उसे साथ अच्छा लग रहा है कि जैसे ये मार्बल से तैयार की गई है, लेकिन एक्चुअली ये रेजिन है, वुड बेस होती है, लेकिन इसकी शाइन ऐसे ही होती है जैसे मार्बल की तरह की होती है। लेकिन आप उसको डिजाइनिंग जिस तरह से क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे ये कलर स्कीम चाहिए, तो ये बड़े मजा आता है कि जब हर एक का डिफरेंट थीम होती है, किसी की ग्रीन है, किसी की ब्लैक है, तो उस हिसाब से फिर मैं चीज़ें उनको बना के दे देती हूँ। जैसे ये आयत वर्क भी होती है, तो डिफरेंट जो जो उनको चाहिए होता है कि मुझे ये वाली आयत चाहिए, वो वाला मैं उसको बना के दे देती हूँ डिजाइनिंग। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। और जो सबसे मजे की चीज है कि ये जैसे मैंने फ्लावर टेबल है, ये फ्रेश फ्लावर है, और किसी ने फियांसी ने उनको गिफ्ट किए थे फर्स्ट बुके, तो सो उनको वो सेफ करना चाह रही थी कि किसी तरीके से ये सेफ हो जाए। अब ये देखें ना, ये टेबल टॉप है, और ये देखें एज अ गिफ्ट भी अगर आपने किसी के लिए लेके जाना है तो ये आप बड़े आराम से लेके जा सकते हैं, गाड़ी में भी आपकी फिट आ सकता है। बिल्कुल। ये देखिए और मजे की बात है कि सेव हो जाएंगे, आप प्रिजर्व हो जाएंगे फॉरएवर के लिए। अब ये देखिए कि उनके मंगेतर ने उनको फूल दिए, उन्होंने वो फूल जो है आपको हैंडओवर किए कि भाई इसका मुझे कुछ ऐसा बना दें कि ये मैं देखती भी रहूं और मुझे अच्छा भी लगे। और देखिए कितना एक प्यारा जेस्चर है, तो यू नो इस किस्म की चीज हो गई। फिर देन ये जिस तरह हमने क्लॉक्स और रखी हुई, अब किसी के लिए तोहफा लेके जाना है तो इस किस्म का अगर खूबसूरत तोहफा ले जाएं। अब ये चीज़ें मार्केट में नहीं आपको मिलेंगी ना, ये हैंडमेड चीज़ें होती हैं, ये खुद ही आप बना सकती हैं। और मज़े की बात है कि कलर्स भी जो जो जिसको जो डिमांड होती है वो कलर्स हम उस हिसाब से फिर उसको बना के भी दे देते हैं, वो थीमेटिक भी हो जाता है और वो उस लिहाज से। अब ये देखें ना, ये वाली भी वॉच एक और हमारे पास है जो हम आपको दिखा सकते हैं, उसमें भी एक डिफरेंट डिजाइनिंग हम ऐसा ऐसा करते रहते हैं, वेरिएशन भी काफ़ी सारी करते रहते हैं उसके बाद भी। तो सो वेरिएशन, अच्छा ये बड़ा मज़े का आपने एक काम किया है, ये तो ले लिया, फिर उसको आपने टेबल को अपने हिसाब से सेट कर लिया। एंड इसी किस्म की वेरियस डिफरेंट चीजें, इस किस्म के तो हमने पहले भी दिखाए थे अपने शो के ऊपर, जो हाफ हुए। अच्छा ये आपने इसमें मजीद वेरिएशन ऐड किया, आपने इसमें क्रिस्टल्स डाल दिए, क्रिस्टल्स डाल का डिजाइन बना दिया। Yes. क्योंकि obviously आप टाइम के साथ साथ आप चीजें और देखिए ना, सेंटर में एक यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, ये एक फूल भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें सेंटर में फ्लावर भी एक प्रॉपर बनाया क्रिस्टल। सो यू नो दीज थिंग्स, इनकी अपनी ही एक वैल्यू और इम्पोर्टेंस होती है, और लोग जो है ना उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे कि टेबल जो आपसे मैंने लिया था वो मेरे घर में मैंने रखा हुआ है, जब भी कोई आता है हमेशा अप्रिशिएट करता है, कमेंट करता है, वो जो व्हाइट वाला था। बिल्कुल। और मजे की बात देखिए, हमेशा हर पीस दूसरे से डिफरेंट होता है, इसकी ये एक मजे की चीज़ होती है कि अमूमन लोगों को होता है ना कि मेरी चीज़ दूसरे के घर में ना लगी हो, तो ये बड़ा मजा आता है कि क्योंकि बिल्कुल लिक्विड होता है और हर एक का डिफरेंट बनता है, तो कभी भी एक जैसे नहीं बन सकता, तो आपकी कॉपी नहीं ये कोई कर सकता कि आपकी ये कॉपी हो रही है, कुछ भी है।